कांग्रेस पार्टी भी हिंदुओं की धार्मिक भावना में अपने लिए हिस्सेदारी चाहती है। पिछले कुछ सालों में जाति भावनाओं को किनारे करके जागरूक और संगठित हुए हिंदू समाज की राजनीतिक ताकत का करिश्मा देख चुकी कांग्रेस पार्टी को यह समझ आ गया है कि एकजुट हिंदू समाज ने उन्हें सत्ता से हटाकर नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत का प्रधानमंत्री बना दिया, तो कांग्रेस के लिए भी अब जरूरी है कि वह खुद पर हिंदू हितों के प्रति उदासीन रहने के आरोपों के मकरजाल से बाहर निकले। पिछले दिनों कई मंदिरों में दर्शन पूजन करके राहुल गांधी ने जहां हिंदू समाज में अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने में सफलता हासिल की है और 3 राज्यों में सरकार बनाकर यह साबित भी कर दिया है, हिंदू समाज का जन समर्थन एक बार फिर कांग्रेस के लिए जाग रहा है। वहीं पहली बार सक्रिय राजनीति में उतरी उनकी बहन प्रियंका गांधी को भी लोकप्रिय हिंदू चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेताओं ने जहां कुछ महीनों पहले राहुल गांधी को भगवान शिव भक्त के रूप में प्रचारित किया था, वहीं अब गांधी परिवार की युवा बेटी प्रियंका गांधी को भी हिंदूवादी साबित करने के लिए प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में उनकी होर्डिंग लगाई गई और उन्हें माँ गंगा की बेटी कहा गया। कुंभ मेला क्षेत्र में लाखों श्रद्धालुओं का जमवाड़ा है और हिंदू धर्म में प्रबल आस्था रखने वाले लाखों लोग वहां प्रतिदिन आ रहे हैं। ऐसे में कुंभ क्षेत्र में प्रियंका गांधी को माँ गंगा की बेटी की संज्ञा देकर कांग्रेस पार्टी एक तीर से कई निशाने साध रही है। हिंदुओं के प्रति समर्पण दिखाकर कांग्रेस ने जहां हिंदू मतदाताओं के मन ने भाजपा का वर्चस्व तोड़ने में सफलता हासिल की है, वहीं प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र में प्रियंका गांधी को मां गंगा की बेटी के रूप में दर्शाकर कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चला है, क्योंकि कुंभ मेला पर दुनिया भर के हिंदुओं की नजर है और कुंभ मेला इस समय हिंदुत्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है। संगम के किनारे कांग्रेस के द्वारा लगवाई गई होर्डिंग में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रमोद तिवारी की तस्वीरें हैं और प्रमुख रूप से प्रियंका गांधी की तस्वीर के साथ उन्हें माँ गंगा की बेटी के रूप में दर्शाया गया है। इसमें लिखा गया है, गंगा की बेटी जो जीतेगी यूपी। कांग्रेस के जिला पदाधिकारी हसीब अहमद का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने को गंगा का बेटा बताया था, जबकि असली गंगा की पुत्री प्रियंका गांधी और उनका इलाहाबाद में रहने वाला परिवार है। देखिए कुंभ में प्रियंका गांधी को गंगा की बेटी के रूप में दर्शाने वाली होर्डिंग लगाने वाले कांग्रेसियों के प्रयागराज के जिला महासचिव हसीब अहमद क्या कहते हैं। इसकी विरासत प्रयागराज इलाहाबाद रही है। इलाहाबाद से उनका पारिवारिक और कर्म भूमि का रिश्ता रहा है। इलाहाबाद में इस समय प्रयागराज में कुंभ का महापर्व चल रहा है, आस्था का पर्व चल रहा है। इस आस्था के पर्व में श्रीमती प्रियंका गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की श्री राहुल गांधी जी के स्नान करने की अटकलें लगाई जा रही है, मगर श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी स्नान करने आएंगे ऐसा हम लोगों का मानना है। तो अब कुछ लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं और माँ गंगा ने बुलाया है का हवाला देकर कि यहाँ चुनाव लड़ते हैं और यहाँ के लोगों को छलने का काम करते हैं। अब श्रीमती प्रियंका गांधी जी इसी गंगा की बेटी भी हैं और भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी इसी गंगा की बहू भी थी। तो गंगा की बेटी और गंगा के बहू, इन दोनों का समन्वय उत्तर प्रदेश में हो गया है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी के चेहरे पर हम उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बाहरी लोगों को भगाने के लिए मुहिम छेड़ेंगे। गठबंधन और ठगबंधन जो चुनाव लड़ रहा है, इनका मुकाबला इस बार श्रीमती प्रियंका गांधी जी से है। प्रियंका गांधी जी इनको जवाब देंगे, यही हम लोगों ने पोस्टर लगा करके है गंगा की बेटी जो जीतेगी यूपी नारा दिया।